प्रथम तहलका न्यूज इस वक्त के लिए बड़ी खबर बल्लभगढ़ से। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में बीती रात गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें कि वाटर सप्लाई करने वाले युवक के साथ रात के अंधेरे में मार पिटाई की गई है। कपिल तेवतिया नाम के युवक के साथ गुंडों ने मार पिटाई की है और उसके साथियों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। दरअसल मंथली वसूली को लेकर इस गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया है और इस पूरे मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बड़ी खबर गढ़ से। आपको बता दें कि सेक्टर 3 में बदमाशों के गुंडागर्दी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां वाटर सप्लाई करने वाले युवक के साथ रात के अंधेरे में मार पिटाई की गई है। कपिल तेवतिया नाम के युवक के साथ बदमाशों ने मार पिटाई की और उसके साथियों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक मंथली वसूली को लेकर गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया है और इस मामले का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से। इस वक्त के लिए बड़ी खबर बल्लभगढ़ से। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में बीती रात गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें कि वाटर सप्लाई करने वाले युवक के साथ रात के अंधेरे में मार पिटाई की गई है। कपिल तेवतिया नाम के युवक के साथ गुंडों ने मार पिटाई की है और उसके साथियों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। दरअसल मंथली वसूली को लेकर इस गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया है और इस पूरे मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से। आपको बता दें कि सेक्टर 3 में बदमाशों के गुंडागर्दी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां वाटर सप्लाई करने वाले युवक के साथ रात के अंधेरे में मार पिटाई की गई है। कपिल तेवतिया नाम के युवक के साथ बदमाशों ने मार पिटाई की और उसके साथियों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक मंथली वसूली को लेकर गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया है और इस मामले का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से। क्या नाम आपका? कपिल तेवतिया। मेरे साथ मैं और मेरा एक लड़का है, हम दोनों पानी काम करते हैं। तो मेरा तो सैलून काम भी है और पानी का काम करते हैं। तो मैं और भी मेरा लड़का, हम दोनों पानी सप्लाई कर रहे थे सेक्टर 3 प्रेम नगर में। तो वहाँ अचानक से क्या हुआ, 20 लोग आए और कहते कि हमें मंथली दो आप। उन्होंने मेरे से बोला मंथली दो, मैंने उनके मना कर दिया कि मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने बोला नहीं दोगे तो हम तुझे मारेंगे। मैंने कहा आप कुछ भी कर लो, मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने क्या किया, इतना सुनते ही उन्होंने मेरे पे पहले हमला किया, मेरे गर्दन पे चाकू मारा उन्होंने। मैं दिखा सकता हूँ, ये रहा चाकू, ये। हाँ, उसके बाद मेरे साथ लड़का था उसे भी थप्पड़ों से मारा था और बहुत ही लात घूसों से सब मारा उसमें। कौन है वो लोग? वो लोग सेक्टर 4 प्रेम नगर, ये पटेल नगर, ये प्रेम नगर है, सॉरी प्रेम नगर थे, ये वाल्मीकि समाज के थे सारे। नहीं, कोई आज तक मैं उसे जानता तक भी नहीं, कभी पहले कभी देखा नहीं, मिला नहीं, बस ये सुनते कि वो गुंडे हैं। झगड़ा किस हाँ पर हुआ? कुछ पता ही नहीं चला अभी तक कि झगड़ा किस रीजन से हुआ है। बस वो मेरे पास आए, बोले मंथली दो, मैंने सीधा मना किया कि मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने आके सीधा मेरे पे हमला किया, हमले में मुझे चक्कू मारा। उसके बाद मेरे जो लड़का दूसरा छोटा ड्राइवर था उसको थप्पड़ों से मारा। अचानक क्या हुआ, मेरा भांजा वहीं से जा रहा था, उसे लगा झगड़ा नॉर्मल हो रहा है, बट क्या हुआ उसने देखा तो जैसे उसने देखा उसे लगा कि कोई वैसे नॉर्मल है। वो अंदर आया, उसे देखा तो मामा आए, उसने बोला कि मामा क्या हुआ। जैसे ही उसने बोला कि मामा क्या हुआ, आते ही उस पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया, डंडों से मारा है उसे। डंडे में भी तार लगे हुए थे, जिसके सर पे मारी थी, हाथ पैरों में मारी हुई है, आज भी 32 से 33 टांके आए हैं सर में भी। पुलिस में शिकायत मैंने दे दी है, उन्होंने बोला है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, अब देखो वो आगे क्या करते हैं। आदित्य क्या हुआ? मैं वहाँ पे जा रहा था स्कूटी लेके, देखा तो वहाँ रास्ते से जा रहा था प्लांट पे अपने, तो काम से जा रहा था किसी, तो वहाँ पे देखा कि मामा का झगड़ा हो रहा है, तो मैं स्कूटी रोक के देखने लगा, पूछने लगा क्या हुआ। उन्होंने बस मेरे पे मारने स्टार्ट कर दिया डंडों से, और पहले 2-3 डंडे हाथ में मारे, फिर 2-3 डंडे सर में मारे, मैं गिर गया वहाँ पे, और डंडे में भी तार बंधे हुए थे। बस मैं मुझे किसी की शिकल तो मुझे जानते नहीं था किसी को, बस एक आदमी दिखाया मोटा सा था और छोटे छोटे बाल थे, बस मुझे तो इतना याद है, मैं फिर बेहोश हो गया वहीं पे। सर, चौकी में एक लड़ाई झगड़े का मामला आया है थाने के अंदर, क्या कुछ उसमें कार्रवाई आप लोगों की कर रहे हैं? उसमें अभी तफ्तीश जारी है, जो अभियोग में नामजद आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बाद तफ्तीश, जैसे भी हालात होंगे
वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर एसीपी सर्विस में तफ्तीश कर रहे हैं, वो किस मुद्दे को लेकर? बस मामले की जांच ही कर रहे हैं, इसमें क्या असल है क्या, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा किया गया हुआ था? लड़ाई झगड़ा दो पक्षों का आपस में लड़ाई झगड़ा था, किसी बात को कहा सुनी उनकी होगी थी, उस मामले में एक पक्ष को चोट आई थी तो दूसरे पक्ष को कोई चोट नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि मछली की बातें आ रही हैं कि? हाँ ऐसा ही कुछ था, बाकी ये जांच का विषय है, अभी कुछ निकल गया।